नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और ड्रेसिंग रूम में रखे शीशे पर लिपस्टिक से लिखा हुआ था कि भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं और भैया जी डॉट डॉट डॉट। यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि भैया जी को गालियाँ मिली हुई थी। ये भैया जी कौन हैं और ये भाभी जी कौन हैं, ये समझने के लिए आपको चोरी की ये कहानी समझनी होगी, सुननी होगी। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर अपने गांव गए एक परिवार के दो फ्लैटों में चोरी की घटना हुई। चोर इनके घर से लगभग 60 लाख रुपए का सामान उड़ा कर ले गए। इसमें 59 लाख के गहने थे और उसके अलावा चोर किचन में रखा सरसों का तेल, आटा, चावल, मैगी के पैकेट, टूथपेस्ट, ये सब भी चुरा कर ले गए और इसी के साथ साथ वे CCTV कैमरे का DVR भी उड़ा कर ले गए। मतलब ये काम किसी एक चोर का नहीं था, इसके लिए कई चोरों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। दरअसल नालंदा का एक परिवार संयुक्त रूप से पटना के हनुमान नगर की PC कॉलोनी के वाल्मीकि सदन के दो फ्लैटों में रहता था। छठ पर्व को लेकर दोनों परिवार अपने गांव गए हुए थे। इसी दौरान उनके घर में घुसे चोरों ने उनके घर से कीमती जेवरातों के साथ साथ बहुत सारा सामान उठा लिया और उसे ले गए। यानी रुपयों पर भी हाथ साफ किया, जेवरातों पर भी हाथ साफ किया और रसोई के सामान पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चोरी करके घर से बाहर निकलते वक्त चोरों ने घर में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर भाभी जी की जमकर तारीफ की। चोरों ने लिखा, भाभी जी आप खूबसूरत हैं। चोरी के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। चोरों ने जाने से पहले शीशे पर लिपस्टिक से मैसेज लिखा जिसमें लिखा था, भाभी जी आप बहुत ही अच्छी हैं, चोरी के लिए धन्यवाद, और भैया जी के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे थे, यानी कुछ गालियां लिखी थी, वो क्या हैं हम आपको बता नहीं सकते। इसी के साथ जब मामले को दर्ज करवाने के लिए पीड़ित जब नज़दीकी थाने पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने ड्यूटी चेंज होने का बहाना बनाकर FIR नहीं लिखी। खैर दोस्तों, अब सवाल ये है कि किसी राज्य की राजधानी में अगर इतनी बड़ी चोरी होती है और पुलिस इस तरह से FIR करने में आनाकानी करती है तो देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में क्या होता होगा। प्रशासन को इस व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? इस घटना पर आप अगर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए VK न्यूज़।